बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अमीर सर। मेरा नाम है अमीर खुसरो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन के अंदर एवरेज निकालना, काउंट नंबर, मैक्सिमम फंक्शन का यूज और मिनिमम फंक्शन का यूज। एक्सेल में आज हम लोग सीखेंगे ऑटो सम ऑप्शन के बारे में। ऑटो सम ऑप्शन कहां पे होता है? होम टैब के अंदर होता है, यहां पे ऑटो सम। तो ऑटो सम आखिर होता क्या है? इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक सम, यानी कि जो भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी आपकी संख्या दी हुई है, उसको अगर हमें सम करना है तो ये एक बार में क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सम कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ 2 का टेबल लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बस सिंपल आप ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो ये इसका सम निकाल के दिखा देगा कि इसका सम 1110 यानी कि 110 हो। उसी तरीके से लिस्ट अगर लंबी हो तो सेलेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है? तो सेलेक्ट करने का सबसे पहले हम सीखेंगे, अगर लिस्ट लंबी हो तो कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ आपको प्रेस करके रखना होगा और डाउन एरो की प्रेस करना होगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह ये तो हो गया कॉलम के लिए। रो के लिए भी आप कर सकते हैं, जिस रो भी आपको सेलेक्ट करना हो तो आप सिंपल उस रो पे क्लिक करेंगे। जैसे 3 नंबर, जैसे 4 नंबर रो हमें सेलेक्ट करना है तो एक तो आप 4 नंबर के ऊपर माउस से क्लिक करेंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जहां तक लिखा हुआ हमें वहीं तक सेलेक्ट करना है जहां तक हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें उस सेल पे क्लिक करना होगा और कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करके रखना होगा और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये देखें आप, बस यहीं तक सेलेक्ट हुआ। अगर इससे भी अगर लंबा होता तो ये आगे तक सेलेक्ट करता, ठीक है? तो सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे कितनी भी लंबी लिस्ट हो, कितना भी लंबा नंबर हो, सब सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप सिंपल ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे संख्या का एडिशन यानी कि जोड़ के दिखा देगा कि कितना हुआ। तो ये इतना देख पा रहे हैं आप। तो ये था ऑटो सम के द्वारा एडिशन करना। अब ऑटो सम के बगल में एक पॉइंट है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन और साथ में मोर फंक्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज क्या होता है। एवरेज निकालने के लिए आपको उस टेबल, उस संख्या को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए 2 का टेबल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका एवरेज निकालना है। बस सिंपल आप एवरेज पे क्लिक कर दें तो ये दिखा देगा कि इसका एवरेज 11 है, ठीक है? तो ये हो गया एवरेज निकालना। उसके बाद ऑप्शन है काउंट नंबर, मतलब जब भी आप एक्सेल पे काम करते हैं या ऑफिस में हम लोग काम करते हैं तो टोटल नंबर कितना है वो हमें काउंट करना पड़ता है। तो ये मैन्युअली अगर हम लोग काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए आपको उस लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसी तरह से सेम कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करके रखना होगा और डाउन एरो की प्रेस करते ही सारी लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो सेलेक्ट होने के बाद ऑटो सम के बगल में जो डाउनवर्ड एरो की इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है काउंट नंबर का, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये दिखा देगा कि टोटल नंबर आपका कितना है, मतलब कितना इसमें नंबर लिखा हुआ है। पहले था एडिशन, वो जोड़ के दिखाया, अब दिखा रहा है कि टोटल नंबर आखिर है कितना, तो 59 है, ठीक है? तो इसके बाद एक और ऑप्शन इसमें है, वो है मैक्सिमम फंक्शन, मतलब जितना भी नंबर्स आपके लिखे हुए हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगर ये देखना हो आपको तो इसके लिए आपको मैक्सिमम पे क्लिक करना होगा। उसके लिए सेम वही प्रोसेस करना होगा, पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा और डाउन एरो की प्रेस करना होगा जिससे सारा नंबर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको ऑटो सम के बगल में जो पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम फंक्शन, उस पर क्लिक कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या जो इस लिस्ट में है वो 10,000 है, ठीक है? अब उसके बाद एक और ऑप्शन है मिनिमम फंक्शन का, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको करने के लिए सेम वही पहले सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम पे क्लिक कर देना होगा तो इस लिस्ट में जो सबसे छोटी संख्या है वो आपको दिख जाएगी, 556 है, ठीक है? तो ये था ऑटो सम का सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन। मोर फंक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे लेसन में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा।
खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एक्सेल सीखना अभी शुरू ही किया है, जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए, उनको ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा बन रहा है, बिल्कुल अपनी भाषा में बनाने की कोशिश की है मैंने। तो मिलते हैं एक्सेल के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, अपने सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।